बाखमुत में यूक्रेनी सेना आक्रामक हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बाखमुत में यूक्रेनी सेना आक्रामक हुई। शहरी इलाके में रूसी सैनिकों पर हमला किया है यूक्रेनी सेना ने। एटीजीएम और रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त अटैक किया है। ऑटोमेटिक गन से फायरिंग करते दिखे हैं यूक्रेनी जवान। ये तस्वीरें देखिए, रॉकेट लॉन्चर से फायर होते दिख रहा है, एटीजीएम से फायर होते दिख रहा है, ऑटोमेटिक गन से फायरिंग करते दिखे हैं यूक्रेनी जवान। ये बाखमुत की तस्वीरें हैं। और एक और जल्दी से आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं, वॉर जोन से आ रही है, बाखमुत से ही बड़ी खबर। यूक्रेन का एक और बड़ा हमला आपके सामने लेकर आते हैं। वैगनर लड़ाकों पर हॉविट्ज़र से यूक्रेन की फोर्सेज ने गोले दागे हैं। घरों में छिपे थे वैगनर ग्रुप के लड़ाके। यूक्रेन ने ड्रोन से सटीक लोकेशन का पता लगाया और उसके बाद कैसे हमला किया, ये तस्वीर आपको बता रही है। हमले में 7 से ज्यादा वैगनर लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन ने ड्रोन से सटीक लोकेशन का पता लगाकर वैगनर ग्रुप के जवानों पर कैसे गोले बरसाए हैं, यह उसका वीडियो आपके सामने। एक और बड़ी खबर आपके सामने, बाखमुत से ही, बाखमुत के बॉर्डर इलाके में यूक्रेन की एयर स्ट्राइक अब आपको दिखाते हैं। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ने मिसाइलें दागी हैं। बॉर्डर इलाके में यूक्रेन की एयर स्ट्राइक देखिए, रूसी ठिकानों पर कैसे यूक्रेन ने ये मिसाइलें दागी हैं। फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से हमला किया है यूक्रेन ने। हमले में रूस को बड़े नुकसान की खबर है। ये 3 तस्वीरें आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं एक बार फिर से। पीसीआर ये 3 तस्वीरें यहां पर बिग वॉल पर लेकर आते हैं। बाखमुत में कैसे यूक्रेन आक्रामक हुआ है और कैसे उसके अंदर वो आग दिख रही है, उस बाखमुत को वापस लाने की जो उसके हाथ से निकलता दिख रहा है। ये तस्वीर रूसी सैनिकों पर अटैक की, यूक्रेनी जवान कैसे ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं, ये देखिए आप। यूक्रेनी जवान रॉकेट लॉन्चर से, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से कैसे यहां पर आमने सामने की लड़ाई में रूस के जवानों को निशाना बना रहे हैं, यह उसकी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर वैगनर ग्रुप पर हमले की है, जबरदस्त तरीके से, प्रिसिशन के साथ, एकदम प्रिसाइज अटैक, पिन पॉइंट अटैक, ड्रोन से सटीक लोकेशन का पता लगाने के बाद ड्रोन से वैगनर ग्रुप पर कैसे हमला किया है यहां पर यूक्रेन के जवानों ने, यह दूसरी तस्वीर इसमें आपको दिखाई पड़ती है। देखिए कैसे ड्रोन से यहां पर गोला बरसाया जा रहा है। तीसरी तस्वीर रूसी बेस पर स्ट्राइक की, हेलीकॉप्टर से हमला किया गया है, कैसे यहां पर मिसाइलें छोड़ी गई हैं, यह भी यूक्रेन के जवानों का एक्शन है जो आप इस तीसरी तस्वीर में देख रहे हैं। यूक्रेनी फाइटर जेट आपको दिख रहा है इन तस्वीरों में, कैसे इससे मिसाइल छोड़ी गई हैं और रूस के जवानों पर बारूद बरसा दिया है रूस यूक्रेन ने। तीनों तस्वीरें आपको फुल फ्रेम दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, रूसी जवानों, रूसी सैनिकों पर अटैक की यूक्रेन की तरफ से, वैगनर ग्रुप पर हमले की तस्वीरें और रूसी बेस पर स्ट्राइक की तस्वीरें, यह बता रही है आपको कि बाखमुत इस वक्त कितना ज्यादा हॉट है और बाखमुत में कैसे यूक्रेन के अंदर की वो छटपटा है, यूक्रेन के अंदर की वो इस वक्त कसक दिख रही है, कैसे बाखमुत को वापस पाया जाए। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हमेशा की तरह एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल वीके दत्ता सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट सर, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ डॉक्टर पीके घोष हैं, नेवल ऑफिसर सर, आपका भी बहुत स्वागत है, डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और अचल मल्होत्रा हैं, फॉरेन एम्बेसडर, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। लगातार आप तीनों लोग अड़ी में हमारे दर्शकों को बताते हैं इस वॉर से जुड़ी बड़ी बातें। आप तीनों के पास आ रहा हूं, लेकिन पहले कुछ तस्वीरें दिखा दूं फिर आपके पास आ रहा हूं। अभी आपने बाखमुत में देखा क्या कुछ हुआ, अब आपको यूक्रेन की राजधानी कीव लेकर चलते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा अटैक किया गया है, एक बड़ी खबर देखिए, यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला। रात के वक्त ड्रोन और रॉकेट से कीव पर अटैक किया गया है। रूसी हमले को लेकर कीव के मेयर क्लिट्सको का बड़ा दावा, कीव के ओबोलोंस्की और सियाटोशिन्स्की शहर पर अटैक किया गया है। देखिए ये कीव पर अटैक की खबर आ रही है, रूस के रॉकेट हमले में कीव के 2 शहरों में बड़ा नुकसान। एक और खबर दिखाते हैं आपको, निप्रो में भी रूस ने हमला किया है। बाखमुत में यूक्रेन का अटैक, अब यूक्रेन के दूसरे शहरों में रूस का अटैक, निप्रो में रूस ने हमला किया, शाहिद 136 ड्रोन से अटैक किया है रूस ने निप्रो में, यूक्रेन के ठिकानों पर। निप्रो में धमाके का वीडियो सामने आया है, रात के वक्त हुआ है जबरदस्त धमाका, ये निप्रो में रूस के धमाके की तस्वीरें। एक और खबर आपको दिखाते हैं वॉर जोन की, पूरे डोनबास पर कब्जे की लड़ाई चल रही है।
ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, पूरे डोनबास पर कब्जे की लड़ाई जारी है। मरिंका में रूस को विध्वंसक हमले का, रूस के विध्वंसक हमले का वीडियो देखिए। ये मरिंका में रूस ने कैसे विध्वंसक हमला किया। मरिंका में रूसी सैनिकों के टारगेट पर आम लोगों के घर है। रेजिडेंशियल एरिया पर रूस हमला कर रहा है, ये यूक्रेन दावा कर रहा है। रूसी टैंक के हमले में खंडहर बन चुका है मरिंका शहर। और मरिंका ही क्यों, बाखमुत, मारियोपोल, तमाम ऐसे शहर हैं इस वक्त जो रूस और यूक्रेन की इस जंग में खंडहर बन चुके हैं, भूतहा बन चुके हैं। रात में छोड़िए, दिन में वहां आपको सड़कों पर कोई नहीं दिखाई देगा, और उसी की एक वानगी आपको मरिंका में दिख रही है। और अब उस खबर की बात करते हैं जो परमाणु तबाही के काउंटडाउन से जुड़ी हुई है, जो इस ध्वंस से जुड़ी हुई है। खबर देखिए, यूक्रेन युद्ध में आज की सबसे बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है आज की। ब्रिटेन में यूक्रेनी सैनिकों को डिप्लेटेड यूरेनियम की वाले शेल की ट्रेनिंग दी जा रही है। ब्रिटेन में यूरेनियम शेल्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं यूक्रेनी जवान। चैलेंजर 2 टैंक के गोले में ये डिप्लीटेड यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता है, और उसी की ट्रेनिंग दी जा रही है यूक्रेन के जवानों को। यानी पुतिन जिस खबर से भड़क गए थे, उसके बावजूद ब्रिटेन और यूक्रेन मान नहीं रहे हैं, और वो डिप्लीटेड यूरेनियम लगे शेल जो कि चैलेंजर 2 टैंक में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसकी ट्रेनिंग ब्रिटेन यूक्रेन के सैनिकों को दे रहा है। और क्या यही परमाणु तबाही का काउंटडाउन है? क्या इसी की वजह से पुतिन मजबूर हो जाएंगे परमाणु हमला करने के लिए? क्या ये वॉर में न्यूक्लियर तबाही का एक और मौका है? क्योंकि पुतिन बार बार कह चुके हैं कि अगर डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल यूक्रेन आए, अगर यूक्रेन ने उनका इस्तेमाल किया, तो फिर वो मजबूर हो सकते हैं कुछ भी करने को। आइए आपको इससे जुड़ी एक और जानकारी दिखाता हूं मैं। यूरेनियम शेल्स की ट्रेनिंग पर एक्सपर्ट्स ने बड़ी चेतावनी दे दी है, और वो चेतावनी क्या है वो आपके सामने लेकर आते हैं। यूरेनियम शेल्स की ट्रेनिंग पर एक्सपर्ट्स की बड़ी चेतावनी। यूरेनियम शेल्स का इस्तेमाल हुआ तो महातबाही तय, यूक्रेन के साथ ब्रिटेन को भी भुगतना होगा घातक अंजाम। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक्शन के लिए उकसा रहा है ब्रिटेन। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूक्रेन को उकसा रहा है ब्रिटेन, ताकि वो डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल करे और फिर रूस रिएक्ट करे। देखिए, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं, लेकिन मैं जनरल दत्ता के पास जाऊंगा। जनरल दत्ता, इससे जुड़ी कुछ बड़ी खबरें हमारे पास हैं, इससे जुड़े कुछ और अपडेट्स हैं। हम बताएंगे कि डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा चैलेंजर 2 टैंक में, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल का इस्तेमाल होना चाहिए? और जो पुतिन का और रूस का रिएक्शन है उसके बाद इस खबर को कि कीव को ट्रेनिंग दे रहा है ब्रिटेन, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जहां तक डिप्लीटेड यूरेनियम एमिनेशन का सवाल है, ये चैलेंजर 2 टैंक के अंदर आर्मर पीरसिंग शेल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें डिप्लीटेड यूरेनियम की जो रॉड्स होती हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो सख्त से सख्त आर्मर को भेज सके और दुश्मन के टैंक को बर्बाद कर सके। लेकिन इसके अंदर जो रेजिडुअल रेडिएशन का जहाँ तक सवाल है, ये बहुत कम तादाद में होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तादाद में डिप्लीटेड यूरेनियम एमिनेशन इस्तेमाल होगा, जहाँ पर भी ये बर्न आउट होने के बाद इसका रेजिड्यू गिरेगा, वो जगह कंटेमिनेट जरूर होगी। अगर वो कंटेमिनेट होगी तो अगर यूक्रेन के अंदर है तो यूक्रेन को नुकसान होगा सब्सिक्वेंटली, और अगर ये रूस के इलाके में है तो रशियन। आप ये कह रहे हैं सर, मैं इसी बात को पकड़ता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि अगर ये डिप्लीटेड भी है यूरेनियम, यानी संवर्धित है, यानी इससे बहुत ज़्यादा उस तरह का रेडिएशन नहीं फैले, तब भी जहाँ ये गिरेगा वहाँ कुछ ऐसा खतरा होगा जो रेडिएशन से जुड़ा होगा? बिल्कुल, इसका कंटेमिनेशन होगा। हाँ, लेकिन लेवल ऑफ रेडिएशन उतना हाई नहीं होगा जितना आम तौर पे बड़े एक्टिव। आपने बड़ी बात कही है, मैं इस पर डॉक्टर घोष के पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले मैं कुछ खबरें दिखाना चाहता हूं, फिर आता हूं डॉक्टर घोष आपके पास। देखिए, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है, यूक्रेन को ब्रिटेन की बड़ी ताकत मिली है। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, जिन चैलेंजर 2 टैंक्स का जिक्र यहां पर जनरल दत्ता ने किया, उन्हीं से जुड़ी बड़ी खबर, यूक्रेन पहुंचे हैं ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक। ब्रिटेन में यूक्रेनी सैनिकों ने कई हफ्तों की ट्रेनिंग ली है इन चैलेंजर 2 टैंक्स की। यूक्रेन को ब्रिटेन दे रहा है 14 चैलेंजर 2 टैंक। ये चैलेंजर 2 टैंक क्या है? चैलेंजर 2 टैंक में ही ये डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे, ये सब आपको बड़ी तफसील से हम बता रहे हैं।
इनका क्या असर होगा यह भी आपको बता रहे हैं। लेकिन पहले आपको जरा बिग वॉल पर इससे जुड़ी कुछ और विध्वंसक जानकारी देते हैं और फिर मैं आता हूं अपने गेस्ट के पास। आइए जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको खबर क्या है, खबर के आगे का असर क्या हो सकता है। यह देखिए, पहले खबर थी यूक्रेन को यूरेनियम शेल्फ देगा ब्रिटेन। अब खबर है ब्रिटेन में यूक्रेनी जवान यूरेनियम शेल्फ की ट्रेनिंग ले रहे हैं, यानी नेक्स्ट लेवल आ चुका है इस खबर का। अब इसका असर क्या होगा यह समझिए, इससे क्या खतरा है। खतरा यह है इससे कि रूस को गुस्से में न्यूक्लियर अटैक के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसके बाद रूस मजबूर हो सकता है कि कहीं वो इसके लिए न्यूक्लियर अटैक करने पर मजबूर ना हो जाए। और खास बात क्या है, यूएन ने इस गोले को बहुत जहरीला करार दिया है। यूएन यह कह रहा है कि यह गोला बहुत जहरीला है, बावजूद इसके यह गोला दुनिया में कहीं भी बैन नहीं है। और शायद ब्रिटेन के लिए यही ट्रिगर है कि वो यूक्रेन को यह दे रहा है हथियार। लेकिन यूरेनियम युक्त गोले खतरनाक क्यों है, आइए जरा ये भी समझाते हैं आपको। ये यूरेनियम युक्त गोले जो चैलेंजर 2 टैंक में इस्तेमाल होंगे, ये खतरनाक क्यों हैं? ये खास यूरेनियम परमाणु संवर्धन प्रक्रिया के दौरान निकलता है। ये रेडियोएक्टिव और बहुत भारी पदार्थ होता है। कवच और स्टील को, जैसा कि जनरल दत्ता भी आपको कह रहे थे, बहुत आसानी से जो टैंक का आर्मर्ड होगा उनको तोड़ेगा और उनके अंदर घुस जाएगा। जब गोले का बारूद फटता है तो इससे एक जहरीली गैस निकलती है और यही सबसे बड़ा इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का कारण यही है। डॉक्टर घोष, आप कह रहे थे कि आपने इस पर रिसर्च किया है, क्या रिसर्च है आपका और क्या आपको लगता है कि ये गोला इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए, ये जो डिप्लीटेड डीयू का शेल्स हैं, ये अगर यूक्रेन इस्तेमाल करता है तो पुटिन इसको न्यूक्लियर अटैक नहीं समझता और ये उन्होंने कह दिया है, उनके लिए ये एक बड़ी बात नहीं है, इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी देता नहीं है। जहाँ जब वो जलता है तब जितना थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी निकलता है वो कोई न्यूक्लियर अटैक के काबिल नहीं है। लेकिन जैसा कि जनरल दत्ता ने कहा कि इससे जहरीली गैस निकलती है, इससे रेडिएशन निकलता है, तब तो कहीं ना कहीं ये नुकसान तो पहुंचाएगा ना? नहीं, ये नुकसान पहुंचाता है लेकिन ये कुछ ज्यादा रेडियो एक्टिविटी फैलाता नहीं है, इसलिए इसको न्यूक्लियर अटैक हम नहीं कह सकते। नहीं, इसको हम न्यूक्लियर अटैक कह नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि इसके वजह से पुतिन कहीं न्यूक्लियर अटैक करने के लिए मजबूर ना हो जाए, क्योंकि उनकी तरफ से वो दिखाए गए हैं तेवर। जी, मैं एक बात, जब शी और पुतिन मिले उन्होंने बार बार कहा था अमरीका ने B-61 ग्रेविटी बॉम्ब्स, इनफैक्ट B-61 12-12 ये ग्रेविटी बॉम्ब्स 5 देशों में रखे हैं उनके एलाइज के अंदर। तो जब इसी के विपरीत पुतिन ने कहा कि वो TNW यानी कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बेलारूस में रहेंगे, वो कंट्रोल में रहेंगे रूस के, वो उन्हें इस्तेमाल करेंगे रूस की जो सेना सर है। कहने के लिए तो आप कुछ भी कहिए, लेकिन आप दूसरी कंट्री पर, आप दूसरी धरती पर अपने परमाणु हथियार तैनात कर रहे हैं और ये एक लाइन में सामने दिख रहा है, राइटिंग ऑन द वॉल है। मैं अम्बेसडर मल्होत्रा आपके पास आऊं, उससे पहले कुछ खबरें दिखाना चाहता हूं और फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, इसी से जोड़ेंगे उन खबरों को, लेकिन ये खबरें कुछ अलग मूड बता रही हैं। अपनी सुरक्षा के लिए रूस कोई भी एक्शन ले सकता है, ये बड़ी खबर। अब आप इसको इस यूरेनियम वाली खबर से जोड़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी आपको। यूक्रेन से युद्ध के बीच पश्चिमी देशों को रूस की बड़ी वार्निंग, मॉस्को को हाइब्रिड वॉर पर कार्रवाई का अधिकार है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा का यह दावा है। अब हाइब्रिड वॉर, क्या वो इसी को कह रहे हैं? क्या वो यही कह रहे हैं कि यहां पर पश्चिमी देश हमें कुछ सख्त कार्रवाई करने के लिए उकसा रहे हैं? यह बहुत बड़ी खबर है और इसी से जुड़ी एक और खबर जोड़ लीजिए, फिर चलते हैं अम्बेसडर मल्होत्रा के पास। पुतिन के करीबी दोस्त पात्रुशेव ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। पुतिन के करीबी दोस्त पात्रुशेव की अमेरिका को धमकी, रूस स्पेशल और मॉडर्न हथियार से अमेरिका पर अटैक करेगा। सिक्योरिटी काउंसिल में सेक्रेटरी हैं पात्रुशेव। अमेरिका कभी भी रूस को हल्के में लेने की गलती ना करे, क्या कह रहे हैं पात्रुशेव? आइए जल्दी से बात करते हैं। क्या ये सारी खबरें ये बताती हैं कि इस वॉर में कोई नेक्स्ट लेवल हमला होगा? क्या वो न्यूक्लियर अटैक होगा? होगा क्या? आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं हम। रूस के पास पश्चिमी तबाही के पर्याप्त हथियार हैं, ये किसने कहा है? निकोलाई पेत्रुशोव, जो कि रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव हैं। अमेरिका को चंद मिनटों में हमारे हथियार तबाह कर सकते हैं, ये कहा है इन्होंने। इसके अलावा रूस पर खतरा मंडराया तो दुश्मन देशों का अस्तित्व मिटा सकते हैं। हम किसी को भी अपनी सैन्य क्षमता से डराते नहीं है। रूस बाहरी और आंतरिक सुरक्षा दोनों सुनिश्चित करने में सक्षम है। अम्बेसडर मल्होत्रा,
क्या समझ में आता है इनके बयान से? एक तरफ ब्रिटेन को वार्निंग कि डिप्लीटेड यूरेनियम न दो, उसके बावजूद वो शेल पहुंच चुके हैं कि वहां ट्रेनिंग चल रही है, और दूसरी तरफ सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा एक शख्स इस तरह आंखों में आंखें डाल के धमकी दे रहा हो। देखिए गौरव, जब जब भी वेस्ट से ये खबरें आई हैं कि वो यूक्रेन को पहले से ज्यादा मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं या कुछ ज्यादा लीथल वेपन्स प्रोवाइड करने की दिशा में काम कर रहे हैं, तो रशिया की तरफ से इस तरह के काउंटर क्लेम्स और काउंटर धमकियां आती रही हैं। जब टैंक की बात हुई तब यही बात हुई, उसके बाद फाइटर्स प्लेन्स की बात हुई तो भी रशिया ने अपना कड़ा रुख दिखाया, और अब जो अभी हाल ही में आप डिप्लीटेड यूरेनियम की बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है रशिया ये मैसेज दे रहा है कि वो ना तो डरता है और ना ही इन चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, और साथ ही साथ धमकी दे रहा है कि आप कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर आपने इसका कुछ भी किया। बहरहाल मेरा ये मानना है कि जब तक रशिया के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं होगा, रशिया की तरफ से कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा। नहीं, लेकिन आपने वो बात सुनी जो यहाँ रूसी सरकार की प्रवक्ता कह रही हैं कि हाइब्रिड वॉर अगर करेंगे तो फिर हमें कुछ बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, तो वो इशारा किस तरफ कर रही हैं? इशारा इसी तरफ है कि अब बड़ी वार क्या होगी। बड़ी वार ये है कि अगर इसमें बॉटम लाइन क्या है, नेटो की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी तो रशिया भड़केगा, रशिया की टेरिटरी पे अगर ये वॉर जोन एक्सटेंड होगा तो रशिया भड़केगा, उस समय ये बड़ा कदम उठाया जाएगा, और वो बड़ा कदम कुछ भी हो सकता है। ये फिर भी कहना मुश्किल है कि क्या वो न्यूक्लियर अटैक होगा या कुछ और ज्यादा खतरनाक अटैक रशिया की तरफ। चलिए मैं यहाँ पर कुछ ठीक है जिस तरह से चल रहा है, मुझे तो हैरानी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ऑल पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। एक्चुअली तो ऐसा लग रहा है कि रोज की बात हो रही है, आप मरने वाले लोग मर रहे हैं। एक्चुअली बिल्कुल आपने मेरे मुंह का सवाल छीन लिया, मैं तो यही पूछने वाला था कि क्या इन बड़े देशों को इसमें मजा आने लगा है, और बजाय इसको शांत करवाने के लिए दिखने वाले प्रयासों की बजाय ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर ये बड़े देश इसको और भड़का रहे हैं? ब्रिटेन यूरेनियम शेल दे रहा है, अमेरिका क्रीमिया पर अटैक की बात कर रहा है। मैं आता हूँ सर आपके पास, लेकिन कुछ और बड़ी खबरें दिखाता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। रूस के न्यूक्लियर टारगेट पर कीव और नेटो देश हैं कैसे? अब आप ये खबर देखिए, रूस के न्यूक्लियर टारगेट पर कैसे कीव से लेकर नेटो देश हैं। बेलारूस में तैनात रूसी न्यूक्लियर वेपन पर बड़ा दावा किया गया है, 2 मिनट में नेटो देशों की राजधानी को खत्म करने का दावा किया गया है। 2 मिनट में नेटो देशों की राजधानी खत्म कर देंगे, ये दावा रूस की तरफ से। 2 मिनट में पोलैंड लिथुआनिया की राजधानी तबाह हो सकती है, ये दावा किया गया है। बेलारूस में रूस के इस्कैंडर समेत 10 न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात कर दिए गए हैं। क्या ये 2 मिनट वाली वार्निंग कुछ कहती है? आइए जरा बिग वॉल पर चलते हैं और बात करते हैं। ये 2 मिनट वाली वार्निंग, 2 मिनट के नूडल्स तो सुने थे, लेकिन ये 2 मिनट में परमाणु अटैक की वार्निंग, ये क्या हो रहा है इस वॉर में? मजाक हो रहा है क्या? देखिए ये आपके सामने हम यहां दिखा रहे हैं बेलारूस, जहां पर अभी पुतिन ने ऐलान किया है कि वो अपने न्यूक्लियर हथियार तैनात करेंगे। वो फैसिलिटी वहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी बन रही है, जुलाई तक वो कह रहे हैं कि वहां पर हम उनको तैनात करेंगे। लेकिन इसके चारों तरफ आप देखिए तो नेटो कंट्री दिखाई देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पोलैंड नेटो कंट्री, लिथुआनिया नेटो कंट्री, लातविया नेटो कंट्री, और इन सब पर वो अटैक कर सकते हैं। यूक्रेन पर तो ऑलरेडी उन्होंने अटैक किया हुआ, और कह रहे हैं कि कीव पर भी अटैक कर सकते हैं। ये सारे देश रडार में दिखाई देते हैं यूक्रेन रूस के, बेलारूस की धरती पर जो ये न्यूक्लियर हथियार तैनात कर रहे हैं उसके बाद केवल 2 मिनट में स्कैंडर मिसाइल तैनात की गई है और 10 न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात किए जा रहे हैं बेलारूस में। तो रूस के रडार पर अब नेटो देश और ज्यादा आ गए। रूस 2 मिनट में कई नेटो देशों को तबाह कर सकता है। बेलारूस में तैनात रूसी न्यूक्लियर वेपन के टारगेट रेंज में नेटो, रूस ने बेलारूस में किंजल मिसाइल की तैनाती भी कर रखी है। जनरल दत्ता, ये क्या मामला है? ये 2 मिनट वाली ये इक्वेशन कहां से आ रही है? देखिए ऐसा है, जहां तक न्यूक्लियर डेटरेंस का सवाल है, रशिया के टारगेट में वो कंट्रीज रहेंगी यहां पर यूएस के न्यूक्लियर सेट्स आज के दिन में डिप्लॉयड हैं, और अगर आप देखेंगे यहां अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर सेट रखे हैं। 5 मेन कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर जो नेटो के तहत हैं, जिसके अंदर जर्मनी, बेल्जियम, आपका नीदरलैंड्स, तुर्की और आपका जो इटली। अगर मेरे को काउंटर करना है कोई न्यूक्लियर थ्रेट को, तो मेरा पहला एक्शन रहेगा
जहां जहां पर न्यूक्लियर सेट्स अमेरिका के रखे गए हैं मैं उसको टारगेट करूंगा। ये सारी कंट्री जो हैं ये रशियन बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं है, और जो भी हमारे पास हाइपरसोनिक या इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं जी, मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं, वो सारी के सारी इन टारगेट्स को मिनटों के अंदर तबाह कर सकती हैं। जहाँ तक अमेरिका का मेनलैंड का सवाल है वहाँ पर थोड़ा और समय लग जाता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा टारगेट हम और कौन सा वेपन सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रहेंगी जो ग्लाइड मोड में आएंगी तो अमेरिका के अंदर भी सारे टारगेट आधे घंटे से एक घंटे के अंदर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो मेरा जो मानना है न्यूक्लियर थ्रेट का, मैं उस जगह पर स्ट्राइक करूंगा जहां पर मेरे अगेंस्ट ऑलरेडी न्यूक्लियर सेट्स डिप्लॉय करके हैं अमेरिका ने। तो ये जो कहने का मतलब है जी, छोटी छोटी कंट्री जहां पे कोई असेट नहीं है फिलहाल अमेरिकन न्यूक्लियर असेट, मेरे को उधर स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है, उधर स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम चाहेंगे तो हम कहीं भी अटैक कर सकते हैं और ज्यादा तेजी से और अच्छे तरीके से अटैक कर सकते हैं। देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर, ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन का विध्वंसक प्रहार, अब आपको दिखाते हैं ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से कैसे यूक्रेन ने विध्वंसक प्रहार किया। आप ये देखिए BM-21 से यूक्रेन ने बैक टू बैक कई रॉकेट दागे हैं, यूक्रेनी हमले में कई रूसी ठिकाने तबाह हो गए। ये तस्वीरें देखिए, ये BM-21 से यूक्रेन ने बैक टू बैक कई रॉकेट दागे हैं, यूक्रेनी हमले में कई रूसी ठिकाने तबाह हुए हैं। ये ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन का विध्वंसक प्रहार इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये यूक्रेन के सैनिक जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए ये कैसे यहां पर अपना थम्स अप यहां दिखाते हुए कैसे हम रूस के ऊपर ताबड़तोड़ बारूद बरसा रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, उनको कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी खुशी इनके चेहरे पर दिखती हुई। लेकिन एक और बड़ी खबर है, इसी बीच रूस ने यूक्रेनी अटैक ग्रुप पर हमला कर दिया है। जल्दी से एक और खबर आपको दिखाते हैं, रूस ने यूक्रेनी अटैक ग्रुप पर हमला किया है, घर में छिपे जवानों पर रॉकेट से अटैक कर दिया है रूस ने, और वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। पिन पॉइंट टारगेटेड अटैक में 4 यूक्रेनी जवानों की मौत की खबर है। देखिए एक घर जिसमें यूक्रेनी सैनिक शेल्टर लिए हुए थे, जहां वो छिपे हुए थे, उस पर कैसे रूस ने हमला किया और कैसे उस घर को तबाह कर दिया। खबर है कि 4 यूक्रेन के सैनिकों की इस हमले में मौत हो गई है। ये तस्वीर वॉर के बीच की आ रही है, जहां पर आप देखिए कैसे घर पर रूस के सैनिकों ने अटैक किया, यूक्रेनी अटैक ग्रुप पर हमला किया, घर पर छिपे जवानों पर उन्होंने रॉकेट से अटैक किया, और इस पिन पॉइंट टारगेटेड अटैक में 4 यूक्रेनी जवानों की मौत हो गई। एक और बड़ी खबर, रशियन ट्रेंच पर यूक्रेन ने मोर्टार दागे हैं। अब ये देखिए वॉर जोन से आ रही एक और तस्वीर आपके सामने, रशियन ट्रेंच पर यूक्रेन ने मोर्टार दागे, दर्जनों मोर्टार बम से रशियन ट्रेंच तबाह हो गया, जान बचाकर भागते दिखे हैं रूस के जवान। ये रशियन ट्रेंच पर कैसे यहां यूक्रेन ने रॉकेट दागे हैं मोर्टार से, और दर्जनों मोर्टार बम से रशियन ट्रेंच तबाह हो गया, ये तस्वीरें आपके सामने, जान बचाकर भागते दिखे हैं रूस के जवान। और एक और बड़ी खबर आप आपको दिखाते हैं, रूस ने यूक्रेन पर की है हवाई हमलों की बारिश, ये बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन के कई शहरों में कामिकाजी ड्रोन से हमले किए हैं रूस ने, कामिकाजी ड्रोन रूस का बहुत बड़ा हथियार बन चुके हैं। यूक्रेन का दावा, रूस के सभी हमले हमने नाकाम कर दिए। आइए आपको जरा बिग वॉल पर दिखाएंगे कि कैसे यहां पर कामिकाजी ड्रोन से अटैक किए हैं रूस ने, 10 से ज्यादा लोकेशंस हैं जिन पर अटैक किया, और यूक्रेन ने दावा किया है कि हमने सबको वहां तबाह कर दिया। ये आपके सामने लोकेशंस हैं, रूस का कामिकाजी अटैक यानी सुसाइडल ड्रोन कैसे यूक्रेन को नुकसान पहुंचा रहा है। लवीव से लेकर लुहांस, कीव, ओडेसा, खेरसों, निप्रो, खार्किव, आप कहीं चले जाइए, और यूक्रेन का दावा है कि रूस के ड्रोन अटैक हमने नाकाम किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये ड्रोन अटैक कब तक नाकाम करेंगे, और इनमें से एक भी हिट करता है तो कैसे उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। यूक्रेन के पास ये ताकत कहां से आई, अमेरिका ने उसको हाइमार्स दिया है, ब्रिटेन ने उसको ब्रिमस्टोन मिसाइल दी है, स्पेन से उसको आसपाइट दिया है, जर्मनी ने उसको RST दिया है, और ये सब मिसाइल्स या मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो यूक्रेन को कहीं ना कहीं ये ताकत दे रहे हैं कि वो इन ड्रोन अटैक्स को नाकाम करे। इसी बीच एक और बड़ी खबर, उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगा, एक बड़ी खबर देखिए, रूस के सुखोई 35 प्लेन ने यूक्रेन में तांडव मचा दिया है, बहुत बड़ी खबर है। रूस के सुखोई 35 फाइटर जेट ने तांडव मचा दिया है, सुखोई के हमलों से निपटने में यूक्रेन पूरी तरह नाकाम हो गया है। सुखोई 35 फाइटर जेट का मुकाबला करना बहुत कठिन हो रहा है, यह यूक्रेन ने कहा है। सुखोई 35 फाइटर जेट का मुकाबला करना हमारे लिए बहुत कठिन हो रहा है, यह यूक्रेन ने एडमिट किया है। यूक्रेन कह रहा है कि रूस का ये जो फाइटर जेट है इसका हमारे पास कोई तोड़ नहीं है।
और सुखोई 35 क्यों इतना खतरनाक है? सुखोई 35 आखिर क्यों इतना खतरनाक है? आइए आपको दिखाता हूं मैं अपने तमाम, सर आप दोनों से रिक्वेस्ट है आप प्लीज इधर आए हमारे पास और आपसे इस बारे में बात भी करनी है, क्योंकि सुखोई 35 का एक यहां पर प्रोटोटाइप या का एक मॉडल 3D मॉडल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे स्टूडियो में इस वक्त आप देख सकते हैं। यहां पर इसकी लंबाई की बात करें तो 71 फीट है, ऊंचाई बात करें करीब 20 फीट है, वजन 25,000 किलो से ज्यादा, रफ्तार 2400 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 3600 किलोमीटर की है और जलदता आपसे बेहतर इंसान कौन हो सकेगा इसको डिस्क्राइब करने के लिए। अगर यूक्रेन यह एडमिट कर रहा है कि हमारे पास सुखोई 35 का तोड़ नहीं है तो इसका मतलब क्या रूस ने अपनी एयर पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि रूस यूक्रेन के पास ऐसा कोई मैच नहीं है। बिल्कुल ऐसा है कि जो भी अभी तक एक साल के युद्ध के अंदर रशियन एक्सपीरियंस रहा है अपनी एयर पावर यूज करने का और कॉन्सिक्वेंटली जो नाटो और अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा जो इनको शोल्डर फायर्ड मिसाइल सिस्टम दिए गए थे जिसके कारण इन्होंने शुरुआत में काफ़ी हवाई जहाज़ों का नुकसान भी किया था हमारे रशियन एयरक्राफ्ट का। अभी जो ये Su-35 है ये बहुत एडवांस्ड वर्जन है, इसका जो स्पीड, इसकी आर्मामेंट, इसका रडार सिस्टम और इसका एयर टू एयर मिसाइल या एयर टू सरफेस मिसाइल की इंगेजमेंट रेंज इतनी है कि ग्राउंड की जो रडार और ग्राउंड का जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है वो इसको आसानी से पकड़ नहीं सकता है। तो फिलहाल इसके इस्तेमाल से रशिया ने एक तुरंत इमीडिएट एज प्राप्त कर ली है एयर यूज के अंदर और जब तक इसका कोई तोड़ निकाला जाएगा नाटो या अमेरिका के द्वारा या यूक्रेन के द्वारा तब तक ये अपना जो नहीं तो इस पर एक नेक्स्ट सवाल है मेरा डॉक्टर घोष, जो जनरल दत्ता कह रहे हैं आप कामिकाजी ड्रोन देख रहे थे अभी, अब ये सुखोई 35 यानी उसके पास सुई से लेकर और बड़ा टैंक तक तलवार तक उसके पास तमाम वो हथियार हैं और अगर रशिया धीरे धीरे इस वॉर को एस्केलेट कर रहा है दैट मींस क्या वो किसी एक डिसाइसिव मोमेंट पर पहुंचना चाहते हैं? जी हाँ, ये देखिए ये Su-35 पहले तो उन्होंने ड्रोन इस्तेमाल किया ईरानियन ड्रोन जो थे और फिर अभी Su-35 इस्तेमाल कर रहे हैं। Su-35 फोर्थ जनरेशन प्लस का एक एयरक्राफ्ट है। मैं ये बता दूं कि रूस ने ये हमारे भारत को भी एक बार ऑफर किया था, हमने लिया नहीं था क्योंकि हमारे पास Su-31 है MKI। हाँ जी हाँ, तो ये अभी आप सही कह रहे हैं कि धीरे धीरे एस्केलेट कर रहे हैं क्योंकि दूसरे और भी उनको मिग विमान मिल रहे हैं, यूक्रेन को मिग मिल रहे हैं तो अभी उन्होंने सोचा कि उनको मिग मिल रहे हैं तो चलिए हम सू के इस्तेमाल से इसको जरा एस्केलेट कर दें। ठीक है ठीक है, चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, फिर मैं एंबेसडर मल्होत्रा आपके पास आ रहा हूं, प्लीज आप अपने स्थान पर जा सकते हैं। सर देखिए एक बड़ी खबर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से जुड़ी हुई, वो खबर भी बहुत अहम है आपके लिए देखनी। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह जो आप मेरे पीछे जिसको देख रहे हैं उसके एक बड़े ऐलान से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने लेकर आते हैं। न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार रहे नॉर्थ कोरिया, यह कहा है किम जोंग उन ने। कोरिया सेंट्रल न्यूज एजेंसी के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है, किसी भी वक्त हो सकता है न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल। नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह ने अपने परमाणु वैज्ञानिकों को यह आदेश दिया है कि न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार रहे। एक और बड़ी खबर देखिए इसी से जुड़ी हुई, किम जोंग ने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाने का ऐलान किया है, अगले कुछ महीनों में नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट बढ़ाकर कर सकता है। किम जोंग ने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाने का ऐलान किया है, वो कुछ अगले कुछ महीनों में न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। KCNA के हवाले से यह खबर है, किम जोंग ने न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ बड़ी बैठक की है। मैं एंबेसडर मल्होत्रा आपके पास आऊंगा, एंबेसडर मल्होत्रा हम वो भी फोटोज दिखा रहे हैं जहां उसने न्यूक्लियर वेपन सेंटर का दौरा किया और अधिकारियों को निर्देश भी दे रहा है, वो तस्वीरें भी हैं ऑन एयर। लेकिन मुझे ये बताइए रूस और यूक्रेन तो है कि यहां पर बहुत तगड़ी वॉर चल रही है, लेकिन क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि ऐसा हो सकता है कि रूस करे ना करे ये सनकी तानाशाह दुनिया पर पहले एक परमाणु बम गिरा दे? संकी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो पोलराइजेशन हो रही है इस समय पूरे वर्ल्ड में तो उसमें रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया सभी एक तरफ हैं। और नॉर्थ कोरिया का सिर्फ रशिया के बिहाफ पे करने की बात नहीं है, नॉर्थ कोरिया का अपना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका साउथ कोरिया के साथ काफी समय से तनातनी चली आ रही है, जापान के साथ चली आ रही है। तो ये इसकी न्यूक्लियर जो पावर है कैपेबिलिटीज वो ही पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द है क्योंकि ये रोग और इररिस्पॉन्सिबल कंट्री है, डिक्टेटर है,
ये बात सही है, दिमाग कभी भी अगर खराब हो गया तो ये कुछ भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसका भी समय समय पे पूरी दुनिया को, खासतौर से अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया को धमकाने के लिए ये इस तरह की बात करता रहता है। और इसके जो न्यूक्लियर, इससे पीछे मिसाइल टेस्ट किए थे, उसके बाद से खबरें आ रही थी कि आने वाले वक्त में शायद ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी करेगा, बावजूद वार्निंग के इसने कुछ सुना नहीं। और दुनिया भी जानती है कि ये शायद की मधुमक्खियों का वो छत्ता है जिसमें हाथ अगर डाले तो बहुत सोच समझ कर ही डालना चाहिए, क्यों, ये ऑलरेडी आइसोलेटेड और दुनिया से कटा हुआ देश है। बिल्कुल। इसके पास आप अगर ये कहें कि खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है तो वो भी गलत नहीं होगा। आप जो कह रहे हैं इसी को मैं थोड़ा और यहाँ पर अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए दिखा दूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। देखिए, ये जो मैं आप बता रहे हैं उसी से जुड़ी कुछ ग्राफिक्स है हमारे पास। किम जोंग कैसे पहुंचा वेपन सेंटर, वो भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। उसने न्यूक्लियर वेपन सेंटर का दौरा किया, ये खबर देख लीजिए आप। उसके बाद हम आते हैं आपके पास, न्यूक्लियर वेपन इंस्टीट्यूट पहुंचा था किम जोंग, उसने वेपन सेंटर का दौरा किया है। आखिर ये लगातार इस तरह की तस्वीरें आने का मतलब क्या है? किम जोंग ने कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स का जायजा लिया है। बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं क्या कर रहा है किम जोंग उन, और अगर वो संकी नहीं है तो उसकी परमाणु सनक क्या कह रही है। आइए जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह, आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है और न्यूक्लियर वेपन सेंटर या फैसिलिटी सेंटर पर वो क्यों गया। पहली खबर, वैज्ञानिकों को सबसे ताकतवर परमाणु बम बनाने का उसने आदेश दिया। उसके बाद दूसरी खबर, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट में रखे छोटे परमाणु बमों का उसने निरीक्षण किया। तीसरी खबर, हम ग्योंग के पास एक ड्रिल में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। तो सवाल यह है कि हो क्या रहा है, क्या यहां पर कोई जंगी तैयारी है, और यह बड़ी खबर है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अब यह देखते हैं क्या यहां पर, मैं जलदत्ता आपके पास ही आता हूं। जलदत्ता, ये जो तीन खबरें हैं, क्या आपको लगता है कि किम जोंग उन इस वक्त बहुत ज्यादा अमेरिका से गुस्सा है, या उसके दिमाग जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहा है नॉर्थ साउथ कोरिया और अमेरिका की ड्रिल्स को लेकर, क्या वाकई कुछ वो ऐसा कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि ये पूरी जंग में जो दो खेमे बन रहे हैं, एक तरफ रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना और ईरान फिलहाल, और छोटी छोटी कंट्रीज हो रहा है जो इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके खिलाफ में यूएस और नाटो। अगर कोई न्यूक्लियर एक्सचेंज हुआ, चाहे वो रशिया और अमेरिका के से शुरू हो या जिसके भी माध्यम से शुरू हो, जिस टाइम वो न्यूक्लियर ट्रिगर चल गया, उस समय जितने भी मिसाइल सिस्टम हैं, चाहे वो अमेरिका के हों, रशिया के हों, नॉर्थ कोरिया के हों, चाइना के हों, वो सारे उन टारगेट्स के ऊपर ऑलरेडी नैरो डाउन करके, लॉक डाउन करके रखे हैं, जो प्री सिलेक्टेड टारगेट्स हैं। वो प्री सिलेक्टेड टारगेट के हालात में अगर न्यूक्लियर चेंज चालू हुआ तो अमेरिका नॉर्थ कोरिया को भी उड़ाएगा, चाइना के ऊपर हमला करेगा, रशिया। और ऑलरेडी अमेरिका, जो आप जो कह रहे हैं उसी से जुड़ी एक बार जानकारी अपने व्यूअर्स को देना चाहता हूं, ऑलरेडी अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका की जंगी तैयारी आपको दिखाते हैं जल्दी से, देखिए उसके बाद चलते हैं फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास। अमेरिका की जंगी तैयारी ग्राफिक्स के जरिए ये देखिए, यूएसएस निमिट्ज नॉर्थ कोरिया के पास तैनात कर दिया गया है, न्यूक्लियर हथियारों से लैस है ये यूएसएस निमिट्ज। ये बुशान के पास मिलिट्री एयर बेस पर निमिट्ज की तैनाती की गई है एयरक्राफ्ट कैरियर। पिछले साल सितंबर में यहां यूएसएस रोनाल्ड रीगन भी पहुंचा था, तो ये अमेरिका की तैयारी है। डॉक्टर घोष, देखिए, एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज चल रहा है जो साउथ कोरिया के साथ हो रहा है, इससे किम जोंग उन एकदम परेशान है, और ये हर साल ऐसा होता है, तो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए, मैं, मेरे पास ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मैं इनको इस्तेमाल कर सकता हूं। सच पूछिए तो पुतिन और शी दोनों ही किम जोंग उनसे इतने खुश नहीं हैं, लेकिन क्या करें, वो है इनके ग्रुप में है तो इसलिए उनको मानना पड़ रहा है। लेकिन मैं इतना कह दूं कि पुतिन और जो शी हैं, वो किम जोंग उनके ये जो बार बार ये एक्सप्लोजन्स कर रहे हैं, मिसाइल्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उन्होंने TNWs जो सब किलोटन वैरायटी के हैं, उन्होंने एक किया है, एक्सप्लोड किया है, तो ये सब
चल रहा है और किम जोंग कहना चाहता है कि देखिए मैं यहाँ पर हूँ, मैं भी हूँ, मुझे भी देखो, मेरे पास भी हथियार हैं, मुझे भी आप बिल्कुल इग्नोर मत करो। कहीं ना कहीं किम जोंग अपने सर्वाइवल या अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई यहाँ पर लड़ रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर देखिए, और तमाम हथियारों और तमाम विध्वंसक खबरों के बीच एक खबर आ रही है ज़ेलेंस्की से जुड़ी हुई। ज़ेलेंस्की और यूएन के न्यूक्लियर चीफ की एक अहम मुलाकात हुई है। ज़ेलेंस्की ज़ापोरिज़िया गए थे। ज़ेलेंस्की आजकल कीव से बाहर दिखते हैं कई जगहों पर। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर बात हुई है। राफेल ग्रासी का प्लांट को लेकर यूक्रेन को हर संभव मदद देने का वादा। ये तस्वीरें देखिए, ये आपको ज़ेलेंस्की दिखाई दे रहे हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति, जो यूएन न्यूक्लियर चीफ से मुलाकात की उन्होंने, और यूएन न्यूक्लियर चीफ ने उनको ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर और तमाम दूसरे पावर प्लांट से उनको लेकर उनको हर संभव मदद का वादा किया है। मैं जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन, अचल सर छोटा सा रिएक्शन, आप इस मुलाकात को कैसे डिकोड करते हैं? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़ापोरिज़िया की जो सुरक्षा है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, रीजन के लिए तो है ही है। इसलिए आईएईए की इन्वॉल्वमेंट होना इसके अंदर और हर मुमकिन कोशिश करना कि सतह पे ऐसी परिस्थितियां ना बने जिससे ये प्लांट से रेडिएशन हो, ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है। मुझे लगता है कि रशिया भी इस मामले में कोऑपरेट कर रहा है, जो एक्सेस दिलाई उन्होंने ज़ापोरिज़िया में समय समय पे, आईएईए के लोग गए, शुरू शुरू में उन्होंने जाके सर्टिफाई भी किया कि अभी फिलहाल यहाँ से रेडिएशन के चांस नहीं है। तो खुशी की बात है कि यहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासतौर से जो आईएईए जो न्यूक्लियर वॉचडॉग कहा जाता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट में कोई रोड़े नहीं अटकाए जा रहे, ठीक है, और ठीक है, हर कोशिश की जा रही है कोई ऐसी परिस्थिति नहीं हो जिससे रेडिएशन। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया जनरल दत्ता आपका, डॉक्टर घोष आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।